नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं ओमेगा 3 से रिलेटेड जानकारी। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे ओमेगा 3 के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम क्लियर कर दें कि ओमेगा 3 जो होता है ये फैटी एसिड ये हमारे बॉडी में नहीं बनता है, ये बाहरी सोर्सेज से हमको लेना होता है, जैसे फिश हुआ या नेचुरल पौधे जैसे सरसों हुआ, तिल हुआ, अलसी का पौधा हुआ, बीज हुआ, इनसे हमें ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 जो है ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। यदि हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं आपको तो ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही कारगर होता है, आँखों की रोशनी और उसकी रेटिना के हेल्थ के लिए काफ़ी कारगर माना जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, हार्ट स्ट्रोक वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होने देता है। ओमेगा 3 जो है हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे दिमाग के लिए काफ़ी कारगर होता है, ये हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने में काफ़ी सहायक है। इसके अलावा हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती हैं उनको मजबूत करने के लिए भी ओमेगा 3 कारगर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके हैं, मोटापा है, मोटापा को कम करने में ये काफ़ी सहायक है, कैंसर रोकने में ये असरकारक है ना, स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, स्किन पे जो झुर्रियाँ हो जाती हैं उन झुर्रियों को हटाता है। इसके अलावा मुहासों को नहीं आने देता है, हमारे हेयर के लिए काफ़ी कारगर है ओमेगा 3। तो ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स थे। इसके अलावा यदि हम बात करें ओमेगा डॉक कैप्सूल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दोस्तों ओमेगा डॉक कैप्सूल जो है वो AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया हुआ फूड कैटेगरी का प्रोडक्ट है। एक्चुअली AWPL जो है कई कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाता है जिनमें से एक फूड कैटेगरी भी है, उसी में ओमेगा डॉक कैप्सूल आता है। इसके इस्तेमाल जो है ये हमारे दिमाग को और शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए यूज होता है। यदि हम बात करें इसके इस्तेमाल के तरीकों और सावधानियों के बारे में तो कंपनी के द्वारा बताया गया है कि इसे 1 से लेकर 2 कैप्सूल को दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचा कर रखना है, पैक खुलने के बाद 1 महीने के अंदर में इसे इस्तेमाल कर लेना है, मतलब इस 1 महीने का 1 मंथ का ये डोज होता है। इसके अलावा ठंडे और सूखे स्थान पर इसे रखना है और यूज करने से पहले डॉक्टर से या एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें। दोस्तों ये था ओमेगा 3 से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ और उसके इस्तेमाल करने का तरीका। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल में जो दोस्त नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।